हड्डियों को मजबूत रखना बहुत ही जरूरी होता है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और यदि हम कैल्शियम की भरपूर मात्रा ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, फिर भी हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी है। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम ब्लू वाइट D3 सचेट के बारे में बात करेंगे। ब्लू वाइट D3 सचेट क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। ब्लू वाइट D3 सचेट एक ऐसा विटामिन D3 ग्रेनुअल्स है जो हमारी हड्डियों से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर करता है। यदि आपको लग रहा है कि मैं कैल्शियम भरपूर मात्रा में ले रहा हूँ लेकिन फिर भी हमारी आंतों में, शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है, तो आप ब्लू वाइट D3 सचेट का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी हड्डियों से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर करता है। ये मेरे हाथ में ब्लू वाइट D3 सचेट है। ये ब्लू वाइट D3 का ब्रांड नेम दिया गया, ये बताया गया इसमें क्या मॉलिक्यूल्स हैं, ये बताया गया ऑरेंज फ्लेवर में, मतलब इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और ये बताया गया नो शुगर, मतलब ये शुगर फ्री है। जो शुगर पेशेंट होते हैं वो भी इस ग्रेनुअल्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो ये ग्लूकोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसके कंटेंट के बारे में और बात कर लेते हैं, इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें होता है कॉलेकॉल्सिफेरॉल होता है, 60,000 IU होता है, तो इस तरह से इसमें कंटेंट है। चलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी एवं इसकी MRP के बारे में बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 5/2018 और इसकी एक्सपायरी है 4/2020, और इसकी MRP की बात करें तो ये एक सचेट आता है 10 रुपये का, केवल 10 रुपये का सचेट है और इसे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से इस ग्रेनुअल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपको विटामिन D3 की कमी है तो आप उसमें इसका यूज़ कर ही सकते हैं। आपको हड्डियां कमज़ोर हो गई उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपके कमर में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, मसल्स में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपके कहीं किसी पार्ट्स में फ्रैक्चर की प्रॉब्लम हो रही, फ्रैक्चर हो गया, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको किसी तरह की हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। यदि आपको किसी तरह की टेंशन रहती, आपको लग रहा है किसी खुशी मिलने के कारण भी आप फिर भी उदास रहते हैं, उस तरह से खुश नहीं रह पाते हैं, उसमें आप इसका यूज करते हैं। आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, यदि आपको सर्दी में भी पसीना आता है तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। जिन व्यक्तियों में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। बच्चों के लिए यूज कर सकते हो, जो बच्चों के दांत निकलते हैं उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। जो बच्चे देरी से चलना सीखते हैं, इनकी हड्डियां कमजोर होती है, उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप विटामिन D3 की कमी, हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, एडल्ट के लिए, किसी भी के भी लिए इस ब्लू वाइट D3 सचेट का यूज कर सकते हैं। चलिए इसके डोजेस के बारे में बात करें तो आप एडल्ट के लिए हफ्ते में एक बार एक पूरा सचेट दूध में, गुनगुने दूध में घोल के इसको देना है, और बच्चों के लिए आधा देना है, इसमें आधा सचेट दूध में घोल के एक रात को इस सचेट को देना हफ्ते में एक बार। और यदि आपको लगता है कि मुझे बार बार विटामिन D3 की कमी है तो आप इस तरह से धीरे धीरे इसको छोड़ना है, कम से कम 6 महीने तक लेना है। 1 महीने तक तो आपको 4 सचेट लेना है, उसके बाद में हफ्ते में 6 सचेट लेना, मतलब 6 माह तक 1 महीने में 1 सचेट लेना है। तो आप इस तरह से इसको यूज करके अपनी विटामिन D3 की कमी को दूर कर सकते हैं। चलिए इसकी साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपको नोजिया, वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, आपको पेट में दर्द, कब्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर की शिकायत हो सकती है, घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। यदि आपको विटामिन D3 की कमी है तो बेझिझक इस सचेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझको फॉलो कर सकते हैं, प्रकाश शाक 555 पर जाकर। थैंक यू वेरी मच।